नमस्कार दोस्तों, धातु कर्मिकी का अगला अध्याय हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले अध्याय तक आपने देखा था धातुक्रम, लोहे का धातुक्रम आपने देखा था। लोहे के धातुक्रम में अपन वात्याभट्टी तक पहुंच चुके थे और वात्याभट्टी में आपने देखा था कि वात्याभट्टी के लास्ट में अंतिम उत्पाद के रूप में आपने एक तरफ तो धातुमल प्राप्त किया था और एक तरफ लोहा प्राप्त किया था, और यह लोहा 4% कार्बन युक्त होता है। इस लोहे में 4% कार्बन की मात्रा होती है, जिसे हम बोलते थे कच्चा लोहा या पिग आयरन। कच्चा लोहा या आप बोल सकते हैं पिग आयरन। यहां तक की बातें आप कर चुके थे, अब इससे आगे लेते हैं मित्रों। तो देखो, राजस्थान बोर्ड ने सवाल पूछा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर लोहे के प्रकार बताइए। या आप यूं भी कह सकते हो, सवाल यूं भी आ सकता है कि अधातु, अधात्विक अशुद्धि के आधार पर, बिकॉज कार्बन जो है वो आपके पास धातु तो नहीं है, अधातु है, तो अधात्विक अशुद्धि या कार्बन की अशुद्धि के आधार पर लोहे के प्रकार बताओ। तो सबसे पहली बात होगी हमारे पास, यदि 4% कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं पिग आयरन। फिर अगर आपके पास 3% आयरन है तो इसको बोलते हैं हम ढलवा लोहा। हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखें, इसको बोलते हैं हम कास्ट आयरन। अगर 4% तक है तो पिग आयरन, अगर 3% तक है तो ढलवा लोहा। नेक्स्ट, अगर यह प्रतिशत कम हो जाए और भी 0.5 to 1.5 तक रह जाए तो इसको बोलते हैं इस्पात या स्टील। और अगर कार्बन की अशुद्धि इससे भी ज्यादा कम हो जाए, तो ये 4 प्रकार हो गए, इससे भी ज्यादा कम 0.2 से 0.5% तक, तो इसको बोलते हैं हम पिटवा लोहा। इस बात को हम कहते हैं पिटवा लोहा। तो कार्बन की अशुद्धि या अधात्विक अशुद्धि के कारण लोहे के कितने प्रकार? 4% हो तो पिग आयरन, जो वात्याभट्टी से प्राप्त होता है। अब पिग आयरन से कास्ट आयरन कैसे प्राप्त होता है, कच्चे लोहे से ढलवा लोहा कैसे प्राप्त होता है, तो सुनना, ये जो आपके पास पिग आयरन प्राप्त होता है ये कहां से होता है? वात्याभट्टी से होता है। ये होता है वात्याभट्टी से, और वात्याभट्टी से जो लोहा होता है प्राप्त, इसको हम मिट्टी के सांचों में रखकर इसको ठंडा करते हैं। मिट्टी के सांचों में रखकर इसको क्या किया जाता है? ठंडा। और ये जो आपके पास ये ढलवा लोहे के प्रकार, सॉरी, मिट्टी के ढांचे में रखकर, मतलब ढलवा लोहे को, पहला तो हमारा पिग आयरन से क्या प्राप्त हो गया? डायरेक्ट कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। अब ढलवा लोहा जो है आपके पास मिट्टी के सांचों में रखकर उसको ठंडा किया जाता है, और उस आधार पर ये जो ढलवा लोहा है ये 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है आप इसको जो ठंडा कर रहे हो उस आधार पर। यदि आपने इसको धीरे धीरे स्लोली ठंडा किया तो इससे जो लोहा प्राप्त होगा इसको बोलते हैं हम भूरा लोहा, या आप कह सकते हो ग्रेफाइट लोहा। और अगर इसको आप अचानक ठंडा कर देते हैं, तेजी से ठंडा करते हैं तो यहां से जो लोहा प्राप्त होगा उसको बोलते हैं हम श्वेत लोहा। यह कहलाता आपका श्वेत लोहा। पूछा जा सकता है श्वेत लोहा किस रूप में प्राप्त होता है, तो ये सीमेंटाइजेशन के रूप में प्राप्त होता है आपको, सीमेंटाइजेशन, ठीक है, सीमेंटाइजेशन मतलब Fe3C के रूप में आपको प्राप्त होता है। फेरस का कार्बाइड सीमेंट या सीमेंटाइजेशन के रूप में ये आपको प्राप्त होता है, जिसे हम श्वेत लोहा कहते हैं। तो डलवा लोहा ठंडे होने के, ठंडा कैसे किया जाता है? मिट्टी के सांचों में रखकर इसको ठंडा किया जाता है, उस आधार पर 2 प्रकार का। अगर धीरे धीरे इसको ठंडा करते हैं तो भूरा या ग्रेफाइट लोहा, अगर तेजी से इसको करते हैं तो कौन सा लोहा? श्वेत लोहा। नेक्स्ट, उसके बाद आ गया आपके पास क्या?
स्पात, स्टील और लास्ट में क्या आ गया आपका पिटवा लोहा। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, पहला क्वेश्चन तो सबको पता है, अ धातु या कार्बन की अशुद्धि के आधार पर लोहे के प्रकार चार, डलवा लोहा कितने प्रकार का, ठंडे होने के आधार पर दो प्रकार का, धीरे धीरे ठंडा हो तो भूरा या ग्रेफाइट लोहा, तेजी से ठंडा हो तो कैसा लोहा, श्वेत लोहा। इसको ठंडा कैसे किया जाता है, मिट्टी के सांचों में रख कर किया जाता है। अगला सवाल, डलवे लोहे से पिटवा लोहा कैसे प्राप्त होता है। देखो यहां से सवाल, ये आपके पास है डलवा लोहा और आपको डलवा लोहा से क्या प्राप्त करना है, पिटवा लोहा। किस प्रकार प्राप्त करोगे, देखो इससे पहले मैंने आपको परावर्तनी भट्टी पढ़ाई थी, तो आप डलवे लोहे को परावर्तनी भट्टी में रख दो, किसमें रख दो, परावर्तनी भट्टी में। डलवे लोहे को आप किसमें रख दो, परावर्तनी भट्टी में गर्म करो। जब परावर्तनी भट्टी में आप इसको गर्म करते हो तो परावर्तनी भट्टी में गर्म करने पर जो कार्बन की अशुद्धि है वो CO के रूप में निकल जाती है, जो फास्फोरस की अशुद्धि है वो P2O5 के रूप में निकल जाती है, P2O5 के रूप में पूर्णतया नहीं निकलती है। और पूर्णतया निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, हम इसको दोबारा से अभिक्रिया कराते हैं जिससे ये धातुमल के रूप में बाहर चला जाता है। वो धातुमल होता है आपके पास फेरस का फॉस्फेट, धातुमल होता है आपके पास FePO4 का थ्राइस, ठीक है, PO4 FePO4 होगा, फेरस का फॉस्फेट होगा, फेरस फॉस्फेट बनता है। अब ये कैसे बनता है वो सुनो, और उससे ये जब बाहर निकल जाएगा तो कौन सा लोहा प्राप्त होगा आपको, पिटवा लोहा। तो सवाल क्या था, डलवे लोहे से पिटवा लोहा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो आप कहोगे परावर्तनी भट्टी में डलवे लोहे को हेमेटाइट एस के साथ गर्म करते हैं। तो क्या परावर्तनी भट्टी में क्या लेना आपको, एक तो डलवा लोहा प्लस हेमेटाइट, मैंने तुम्हें बताया था Fe2O3, हेमेटाइट एस के साथ आपने इसको गर्म किया। गर्म करने से क्या होगा, कार्बन की अशुद्धि किसके रूप में बाहर चली जाएगी, CO के रूप में, ठीक है। कैसे, जैसे कार्बन की अशुद्धि थी सपोज करो तो Fe2O3 के साथ गर्म किया तो ये तीन कार्बन ले लो, तो यहां से आपको क्या बन गया, ये तो मिल गया लोहा, प्लस यहां से कौन बाहर चला गया, 3CO, ये देखो आपको लोहा प्राप्त हो गया और अशुद्धि CO के रूप में बाहर चलेगी। ऐसे ही अगर आपके पास फास्फोरस की अशुद्धि है तो उसको भी आप किसके साथ, हेमेटाइट एस के साथ गर्म कर दो, तो यहां से बाहर आ जाएगा आयरन प्लस P2O5। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस आपके हाथ की बात है, जैसे P2O5 था तो यहां लगा दो 5, तो यहां कितना हो गया आपका 15, और यहां लगा दो आप कितना 3, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। देखिए पूरा बैलेंस है, 5 × 10 Fe है, यहां लगा दो आप 10 Fe, तो क्या कार्बन की अशुद्धि हेमेटाइट एस के साथ CO बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन को बैलेंस कर दो Fe बाहर निकलेगा। फास्फोरस की अशुद्धि कैसे बाहर चली जाएगी, इस रूप में, लेकिन P2O5 पूर्णतः बाहर नहीं जाता, तो इसको दोबारा से पूर्णतः बाहर निकालने के लिए दोबारा से हेमेटाइट एस के साथ क्रिया कराते हैं। देखो कैसे, P2O5 प्लस हेमेटाइट एस, इससे अशुद्धि धातुमल के रूप में बाहर निकलेगी स्लैग के रूप में, और वो धातुमल होगा आपका क्या, FePO4, ठीक है। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कर दो, यहां से कैसे बैलेंस करोगे, चेक करो F, यहां पर क्या है, P2 है तो यहां पर लगा दिया आपने 2, चेक कर लो आप क्या बाहर निकल गया, FePO4 बाहर निकल गया, बाकी ऑक्सीकृत ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, लेकिन जो एस है वो शुद्ध हो जाएगा और क्या बाहर चला जाएगा आपका, धातुमल बाहर चला जाएगा, किस रूप में, वो चला जाएगा फेरस फॉस्फेट के रूप में। अब देखो ये जो धातुमल बना आपके पास, ये धातुमल कैसा होता है, ये गला वाला है, इसकी लेई सी बन जाती है, उस लेई को आप क्या करते हो, वाष्प चलित हथौड़ों से पीटते हो। वाष्प चलित हथौड़ों से पीटने से जो इस धातुमल की अशुद्धि है वो गोलियों के रूप में बाहर आ जाती है। बार बार हथौड़ों से पीटने के कारण धातुमल की अशुद्धि गोलियों के रूप में बाहर आ जाती है, इसी कारण इस लोहे का नाम क्या पड़ा है, पिटवा लोहा पड़ा है। तो यह भी पूछ सकता है पिटवे लोहे को पिटवा लोहा क्यों कहते हैं, तो पिटवे लोहे को पिटवा लोहा कहने का कारण है कि आप यूं कह सकते हो, लोहे को शुद्ध करते समय क्या होगा, जो धातुमल है फेरस फॉस्फेट, इसकी लेई बनती है, उस लेई को वाष्प चालित हथौड़ों से पीटने पर जो अशुद्धियां होती है
वो गोलियों के रूप में बाहर चली जाती है, बार बार पीटने से अशुद्धियां बाहर चली जाती है, और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, पिटवा लोहा पड़ा है। ये हमारा पिटवा लोहा हो गया। इस प्रकार हम लोहे के अयस्क से लोहे को शुद्धिकृत कर सकते हैं। ये हमारा लोहे का धातुक्रम पूरा। ठीक है, क्या क्या सवाल बन सकते हैं तो आप इस बात की पुष्टि करें। उस दिन पढ़ा उससे आगे एक तो हमने वात्याभट्टी पढ़ ली, वात्याभट्टी से जो लोहा प्राप्त हुआ 4% कच्चा लोहा, कार्बन की अशुद्धि के आधार पर 4, कौन कौन सा, पिग आयरन जिसको बोलते कच्चा, 3% कार्बन वाला डलवा लोहा, 0.5 से 1.5 वाला इस्पात, 2.25 से 0.5 तक पिटवा लोहा। एक सवाल और सुनो, सवाल यह भी बन सकता है भाई, डलवा लोहा और पिटवा लोहा में क्या अंतर है, डलवा लोहा और पिटवा लोहा में क्या अंतर है, अंतर आपको दिख रहा होगा क्या, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी थी, 3%, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 0.2 से 5% तक, 0.5% तक। एक बात और, इसमें अशुद्धियां होती है, तो अशुद्धियों के कारण इसका जो ये जो पिघलता है, इसका जो गलनांक है वो 1523 से 1523 केल्विन के मध्य होता है, जबकि इसका लगभग 1823 केल्विन होता है। ये इनमें अंतर है। ठीक है, डलवा लोहा व पिटवे लोहे में अंतर स्पष्ट करो, 3% कार्बन हो तो डलवा, 0.2 से 0.5% हो तो पिटवा, इसका गलनांक अशुद्धियों के कारण कम होता है, इसका गलनांक प्योर होने के कारण ज्यादा होता है। फिर उसके बाद आया था आपका क्या, डलवा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कितने प्रकार का, ठंडे मिट्टी के सांचों में ठंडे होने के आधार पर 2 प्रकार का, अगर धीरे धीरे ठंडा करोगे तो ग्रेफाइट लोहा या भूरा लोहा, तेजी से करोगे तो श्वेत लोहा, और वो किस रूप में प्राप्त होता है आपको, Fe3C के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अगर इस्पात हो तो 0.5 से 1.5 के बीच में, अगर पिटवा हो तो ये। नेक्स्ट पूछा था डलवे लोहे से पिटवा लोहा कैसे प्राप्त करोगे, डलवे लोहे को हिमेटाइट एस के साथ गर्म करते हैं, किसमें, परावर्तनी भट्टी में, जिससे कार्बन की अशुद्धियां CO के रूप में, फास्फोरस की P2O5 के रूप में पूर्णतया बाहर नहीं जाती तो धातुमल के रूप में बाहर चली जाती है। ये जो धातुमल आपका प्राप्त हुआ ये किस रूप में, लेई के रूप में प्राप्त होता है, जिस लेई को हम गूंद लेते हैं और वाष्प चालित हथौड़ों से पीटते हैं, पीटने से जो आपके पास धातुमल है वो किस रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर आ जाता है, बार बार पीटने से अशुद्धियां बाहर चली जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पिटवा लोहा पड़ा है। नेक्स्ट, फिर डलवा और पिटवे लोहे में अंतर। यह हमारा धातुक्रम लोहे का पूरा। दोस्तों, मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, हम चारों प्रकार के विशेष धातुक्रम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, कॉपर का धातुक्रम हमने अध्ययन कर लिया, आयरन का अध्ययन हमने कर लिया, जिंक का हमने अध्ययन कर लिया, कॉपर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एल्यूमिनियम का हो गया। अब एक छोटा सा सवाल ये बन सकता है भाई कि जैसे रद्दी कॉपर है आपके पास, रद्दी कॉपर कोई कॉपर की यूं कह सकते हो आप, एकदम गंदला सा कॉपर है, रद्दी कॉपर है, बेकार कॉपर है, उससे कॉपर धातु को आप कैसे शुद्ध करोगे। ठीक है, रद्दी कॉपर से कॉपर धातु को प्राप्त करना कैसे प्राप्त करोगे, तो जनरली जो रद्दी कॉपर होता है वो सॉलिड रूप में नहीं होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो जैसे हमारे पास कॉपर होगा वो किस रूप में होगा, एक्वस रूप में होगा, और एक्वस रूप में ही आयनिक अवस्था में रहता है। ठीक है, यहां पर भी एक्वस रूप में ही आयनिक अवस्था में है। अब इसकी क्रिया या तो करा दो आप लोहे की छीलन से, किससे करा दो, लोहे की छीलन से, या किससे करा दो, हाइड्रोजन गैस से करा दो, हाइड्रोजन गैस। लोहे की छीलन कैसी होती है, सॉलिड होती है। जैसे ही यह इससे अभिक्रिया करेगा, अब जरा सुनना, यह भी अपचयन के रूप में काम आता है। कैसे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम देखेंगे पाठ संख्या 3 में कि, और 11वीं में भी आपने अध्ययन किया होगा क्या, कि कॉपर धातु जो है आयरन और हाइड्रोजन से कम सक्रिय होती है सक्रियता श्रेणी में, इसलिए ये दोनों इसको क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, तो यह भी एक तरह का अपचयन है। इसको भी आप हाइड्रो धातुक्रम, हाइड्रोमेटलर्जी कह सकते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी या हाइड्रो धातुक्रम कह सकते हैं, हाइड्रो धातुक्रम। अब बनता क्या है वो देखो, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करके इसको क्या बना देगा, Cu सॉलिड, और आयरन किस रूप में बाहर चला जाएगा, Fe+2, और बन जाएगा एक्वस।
ऐसे ही ये हाइड्रोजन भी इसको रिप्लेस करेगा, इसको विस्थापित करेगा, विस्थापित करके क्या बना देगा, कॉपर का सॉलिड, और दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन जाएगा 2H+, और वो भी किस रूप में होगा, एक्वस रूप में। सोचिए, कॉपर एक्वस रूप में था जो सॉलिड में हो गया, ये सॉलिड में था जो एक्वस रूप में चला गया, और हाइड्रोजन किस में चला गया आपके पास, जलीय। एक्वस का मतलब होता है जलीय, ये जो AQ लिखा हुआ है, AQ इसका मतलब है आपके पास जलीय, ठीक है, जलीय रूप में ये आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रद्दी कॉपर से कॉपर धातु को प्राप्त करना। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास, अधात्विक अशुद्धि के आधार पर कार्बन के प्रकार, कार्बन या अधात्विक अशुद्धि के कारण लोहे के प्रकार आपने देख लिए, और रद्दी कॉपर से कॉपर धातु को कैसे प्राप्त करोगे, तो क्या कॉपर रद्दी कॉपर को लेकर या तो उसकी क्रिया तांबे की छीलन से करा देंगे, या उसकी क्रिया किससे करा दोगे आप, हाइड्रोजन गैस से करा दोगे, और जैसे ही इससे इसकी क्रिया होगी तो क्या होगा, कॉपर सॉलिड रूप में प्राप्त हो जाएगा, और क्या होगा आपके पास, बाकी जो बचा है वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम रद्दी कॉपर से कॉपर धातु को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, देखो कि कुछ अशुद्धियां पाई जाती है, और उन अशुद्धियों के कारण, जैसे एल्मुना आपने पढ़ा था एल्युमिनियम के धातु क्रम में, ठीक है, तो एल्युमिनियम के धातु क्रम में जो एल्मुना पढ़ा था, अगर Al2O3 में कॉपर की अशुद्धि हो और कोबाल्ट की अशुद्धि हो, तो इससे आपका क्या बनेगा। वैसे आपको बता दूं, पी ब्लॉक में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जनरली जो आपके पास बोरोन फैमिली है, बेल गाय इन थेला, बोरोन फैमिली में एल्युमिनियम आता है, और जो नगीने बनते हैं जैसे नीलम है, माणक है, मोती है, पन्ना है, वो किससे बनते हैं, ये जो एल्मुना है इसकी अभिक्रिया से बनते हैं। तो अगर एल्मुना में क्रोमियम की अशुद्धि, करो रो आर है, तो इसको बोलते हैं रूबी, इससे बनता है आपकी रूबी, ठीक है। तो इससे जो आपका यूं कह सकते हो कि जो रत्न बनेगा वो रत्न होगा रूबी, क्या बनेगा इससे, रूबी जो लाल रंग का है। दूसरा, अगर कोबाल्ट की है तो इससे बनेगा नीलम, ठीक है, ब्लू स्पायर, इससे बनेगा आपका क्या, नीलम। यह भी अच्छा सवाल है जो बन सकता है, क्या सवाल, अगर एल्मुना में क्रोमियम की अशुद्धि हो तो इससे क्या बनता है दोस्तों, रूबी बनता है। अगर आपके पास इसमें कोबाल्ट की अशुद्धि हो तो क्या बनता है, इससे नीलम बनता है। तो Al2 एल्मुना में क्रोमियम की अशुद्धि होने पर रूबी, और एल्मुना में कोबाल्ट की अशुद्धि होने पर क्या बनता है आपका, नीलम बनता है। नेक्स्ट, अगला करते हैं धातु कर्मिकी का ऊष्मागतिकी सिद्धांत। आइए, अब यहां से आगे बहुत कम बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा गए, पर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें, धातु कर्मिकी का पार्ट थर्ड चालू हो गया। इसमें पहले हमने पढ़ा था क्या, सामान्य धातुक्रम, फिर पढ़ा था विशेष धातुक्रम, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, अब हम पढ़ रहे हैं एलिंगम का ग्राफ। एलिंगम का ग्राफ तीसरा पार्ट है जिसकी शुरुआत यहां से है, धातु कर्मिकी का ऊष्मागतिकी सिद्धांत। नेक्स्ट दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, लगातार जो क्लासें चल रही है उनके नोट्स भी आप साथ साथ बना लो, क्योंकि समय कम मिलाएगा। क्लास 12 के विद्यार्थियों से मैं अपील करता हूं, समय आपके पास कम रहेगा, जुलाई में या कब स्कूलें खुलेगी, उसके बाद जो ये 3-4 महीने का समय चला गया, आप खुद सोचो उसकी भरपाई आप कैसे करोगे। तो जो लेक्चर हो चुके हैं, जो आदमी, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहा है, सेम क्लास में वैसा ही आपको पढ़ाया जाएगा, बट उसके आप नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाने से फायदा ये होगा कि ये चीज़ें आपको दोबारा से अगर पढ़ाई जाए तो एक रिवीजन के रूप में पढ़ाई जाए, तो आपके समय की बचत होगी, जिससे बोर्ड में आपको ज़्यादा तैयारी का मौका मिलेगा। अन्यथा नोट्स बनाने में ही रह जाएंगे और नेक्स्ट पता नहीं चलेगा सेशन कब स्टार्ट होगा और कब एग्जाम चले गए। सो इसलिए आप क्या करें, कंटिन्यूस नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे, धातु कर्मिकी का ऊष्मागतिकी सिद्धांत क्या है। तो देखो, जो धातु कर्मिकी का ऊष्मागतिकी सिद्धांत है, यह ऊष्मागतिकी की दो समीकरणों पर आधारित है। कौन कौन सी दो समीकरण है, एक आपने नाम सुना है गिब्स हेलम होल्टज समीकरण। एक तो यह, वो क्या है,
डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप 11वीं क्लास में ऊष्मागतिकी में इतनी बात तो समझ गए। मैं आपसे कहूं कोई प्रक्रम स्वतः होगा इसके लिए क्या चाहिए, तो सब बच्चे जानते हैं डेल्टा जी का मान किसमें आना चाहिए दोस्तों, नेगेटिव में आना चाहिए। डेल्टा जी का मान किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव में है इसका मतलब क्या होगा, आपका कोई अभिक्रिया स्वतः होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी और आगे की तरफ बढ़ने से क्या होगी, वो पूर्णता की ओर अग्रसर होगी। तो यहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि किसी अयस्क का धातुक्रम किस प्रकार होता है, कोई अयस्क किस प्रकार से पिघलता है। तो आप कहोगे गिब्स हेलमहोल्ट्ज़ समीकरण के अनुसार डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर इस समीकरण में मुझे डेल्टा जी का मान क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो और क्या बात हमारे पास होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए कि माइनस का पद कौन सा है, तो डेल्टा एच एंथैल्पी तो प्लस का है, लेकिन टी डेल्टा एस ताप और एंट्रोपी कैसा है, माइनस का है। तो ताप कैसा होना चाहिए आपके पास, उच्च होना चाहिए, या डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। इन दोनों का मान ऊंचा रहा तो माइनस में मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होने से डेल्टा जी किस में आ गया, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव आने से अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया स्वतः होगी। जब सपोज करो अभिक्रिया स्वतः हो गई तो अयस्क क्या होगा आपका, पिघलेगा, अयस्क पिघलेगा, पिघलेगा, और अयस्क के पिघलने से क्या हो जाएगा, धातुक्रम हो जाएगा। एक समीकरण आपने और सुनी होगी ऊष्मागतिकी की, क्या डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के, और इसको किस रूप में लिख सकते हैं आप, डेल्टा जी बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 बेस के। जरा देखो इसमें आपके पास के बीच में और डेल्टा जी के बीच में संबंध है, ठीक है। वैसे भी तुम जानते हो एलन को जब लॉग में चेंज किया जाता है तो 2.303 आ जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा गतिकी की दो समीकरणों में दोनों में क्या आपके पास, डेल्टा जी है, और डेल्टा जी का मान माइनस में कब आएगा। पहली बात तो आप कहोगे गिब्स हेलमहोल्ट्ज़ समीकरण में तो टी डेल्टा एस का मान बड़ा है तो डेल्टा जी माइनस में प्राप्त होगा। नेक्स्ट दूसरी समीकरण है जो आपके पास क्या है, के का मान धनात्मक में उच्च हो, क्योंकि देखो अगर ये माइनस हुआ तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो डेल्टा जी का मान प्लस में आएगा, और प्लस में मान आना अभिक्रिया की स्वतः को स्वतः परक्रमित होने को नहीं प्रदर्शित करता है। तो मींस क्या है, के का धनात्मक मान उच्च हो, के का धनात्मक उच्च हुआ तो माइनस से क्रिया करके डेल्टा जी का माइनस मान आएगा। तो उपयुक्त दोनों समीकरणों में जब जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव प्राप्त होगा तब तब अभिक्रिया स्वतः होगी, अयस्क पिघलेगा, अयस्क के पिघलने से धातुक्रम हो जाएगा। यही धातुकर्मिकी का ऊष्मागतिकी सिद्धांत है। तो पूछा जाए धातुकर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत को बताओ, तो आप क्या कहोगे, धातुकर्मिकी का ऊष्मागतिकी सिद्धांत दो समीकरणों पर निर्भर करता है, पहला गिब्स हेलमहोल्ट्ज़ की समीकरण और दूसरा साम्य की समीकरण, ठीक है। किसके बीच, गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध में, दोनों में पहली समीकरण में तो टी डेल्टा एस का नेगेटिव मान ज्यादा हो, दूसरे में के का धनात्मक मान उच्च हो, इससे डेल्टा जी का क्या मान प्राप्त होगा आपको, नेगेटिव, उससे अभिक्रिया स्वतः होगी, अयस्क पिघलेगा और अयस्क के पिघलने से धातुक्रम संभव हो जाएगा। यही धातुकर्मिकी का ऊष्मागतिकी सिद्धांत है। तो धातुकर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत में आपने देखा कि डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव में प्राप्त हुआ है, डेल्टा जी का मान माइनस में प्राप्त हुआ है, तो माइनस में प्राप्त होने से क्या होगा, अयस्क पिघलेगा, पिघलेगा, अयस्क के पिघलने से क्या होगा दोस्तों, या यूं कह दो नेगेटिव में मान है तो क्या होगी, अभिक्रिया स्वतः होगी, अयस्क पिघलेगा और धातुक्रम संभव हो जाएगा। परंतु इसकी सीमाएं क्या है, जो आपके पास धातुकर्मिकी का ऊष्मागतिकी सिद्धांत है इसकी सीमाएं क्या है, तो सीमाएं क्या है आपके पास, पहली बात जो दोनों समीकरण है कौन कौन से, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसको आप कहते थे गिब्स हेलमहोल्ट्ज़ की समीकरण, और दूसरी आपके पास डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के। इन दोनों समीकरण ने जो ऊष्मागतिकी की है ये केवल साम्यावस्था पर,
केवल साम्य अवस्था पर प्रयुक्त होती है। और जब आप सोचो साम्य अवस्था पर प्रयुक्त होती है तो अभिक्रिया के स्टार्टिंग में, शुरुआत में, बीच में या और कहीं लगाना, तो उसको हम नहीं लगा सकते, केवल और केवल साम्य अवस्था पर इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो पहली सीमा तो यही हो गई धातु कर्मिकी की ऊष्मागतिकी सिद्धांत में प्रयुक्त ऊष्मागतिकी की दोनों समीकरणें साम्य अवस्था पर प्रयुक्त होती है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, डेल्टा जी का मान माइनस में है, अभिक्रिया क्या होगी स्वतः होगा, अभिक्रिया स्वतः होने से अयस्क क्या होगा भाई, पिघलेगा, अयस्क के पिघलने से धातुक्रम हो जाएगा, पर कितना, इसकी बल गतिकी के बारे में यह जानकारी नहीं देता। अब आप कहेंगे कि यहां पर बल गतिकी क्या है, तो बल गतिकी चौथा पार्ट में आएगा। बल गतिकी क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग, नेक्स्ट वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रिया विधि, इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको आप क्या कहते हैं, बल गतिकी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाती है आपके पास, बल गतिकी कहलाती है। मीन्स डेल्टा जी का मान माइनस में, अभिक्रिया स्वतः होगी, अयस्क पिघलेगा, पिघल कर धातुक्रम हो जाएगा, बट यह जो सिद्धांत है इसकी बल गतिकी के बारे में नहीं बताता, अर्थात उस समय जब अयस्क पिघला तो अभिकारक से उत्पाद बनने में क्या क्या हुआ है, अभिक्रिया का वेग क्या है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं, और अगली बात उसकी क्रियाविधि क्या है। तो इस तरह की जो कुछ बातें उसका जो अध्ययन है वो कहाँ किया, इस तरह की जो कुछ बातें हैं उनको हम इससे नहीं समझा सकते, ये खास बात है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगली बात चलते हैं, ये हो गया धातुक्रम, ऊष्मागत की सिद्धांत और उसकी सीमाएं। अब हम अध्ययन करेंगे कुछ अलग बातों का, वो बातें क्या है हमारे पास उसको सुनना। तो उन बातों में हमारे पास एक चीज आ रही है कि जैसे हमने विशेष धातुक्रम पढ़े थे, एल्युमिनियम का पढ़ा, कॉपर का पढ़ा, जिंक का पढ़ा और आयरन का पढ़ा, तो इनके उपयोग क्या क्या बन सकते हैं। तो पहली बात, एल्युमिनियम का धातुक्रम वेल्डिंग के कार्य में इसका उपयोग किया जाता है, जो वेल्डिंग का कार्य होता है उसमें अपचायक के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, एल्युमिनियम का। सिगरेट जो होती है, चॉकलेट जो होती है, उसकी जो रैपर्स होती है, उसकी जो पन्नी होती है, उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का। मोटर और डायनमो जो होते हैं आपके पास गाड़ियों में, उसकी जो लिपटी हुई कोयलें होती है, वो कॉयल्स किसकी बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। आपको याद होगा हमने थर्माइट प्रक्रम पढ़ा था, एल्मुनो ताप विधि, ठीक है, एल्मुनो थर्माइट प्रक्रम, उसमें कुछ धातुएं ऐसी थी, कौन कौन सी, मन करेटी, इसका ऑक्साइड था Mn2O3, इसका ऑक्साइड था Cr2O3, इसका ऑक्साइड था Ti2O3, मैग्नीज का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड और टाइटेनियम का ऑक्साइड, ये जो इनके ऑक्साइड्स है, इन ऑक्साइडों से आपने मैग्नीज, क्रोमियम और टाइटेनियम को प्राप्त किया था एल्युमिनो थर्माइट प्रक्रम से। तो एल्युमिनो थर्माइट प्रक्रम में भी किसका उपयोग होता है, एल्युमिनियम का उपयोग होता है, वेरी मोस्ट, ठीक है, एल्युमिनियम का जो उपयोग है वो किसमें होता है, एल्युमिनो ताप विधि में होता है। ऐसे कॉपर का उपयोग कहां होगा, तो सुनो डी ब्लॉक में आपने देखा होगा सोने और चांदी में हमारे जो सोनी लोग हैं, सुनार लोग हैं, वो क्या करते हैं, सोने और चांदियों में क्या मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं ताकि वो कठोर हो जाए, ठीक है। तो उनकी जो कठोरता वो किस कारण से होती है, कॉपर के कारण। और ये क्यों होती है, इस बात को डी ब्लॉक में पढ़ोगे, क्योंकि कॉपर भी डी ब्लॉक का है, सोना और चांदी भी डी ब्लॉक का है, इनकी त्रिज्याओं का अंतर 15% से कम होता है, तो आपस में समावेशित हो जाते हैं और हार्डनेस आ जाती है, कठोर बन जाते हैं। दूसरा कॉपर सल्फेट है, उसको बोर्डो मिश्रण बनाने में उसका यूज किया जाता है कवकनाशी के रूप में, तो कॉपर सल्फेट किस रूप में काम आता है आपका, कवकनाशी के रूप में काम आता है। नेक्स्ट जिंक का उपयोग बैटरियों में कहां, आप सभी ने अगर आप सभी ने
जो हमारा सेल आता है सिंपल सा, जैसे पेंसिल सेल होता है, बैटरी में डालने वाला सेल होता है, वो सभी ने देखा होगा। और वो सेल जो है आपका, वो इस तरह का कुछ होता है जिसका बाहर ही ये जो खोल होता है वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। तो बैटरियों का जो खोल है वो किसका बना होगा, जिंक का। लोहे पर गैल्वेनीकरण, बोर्ड में पूछ चुका है ये, गैल्वेनीकरण गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो जैसे आप सभी को दोस्तों पता है लोहा है, लोहे की सतह पर पानी गिरने से ठीक है उस पर जंग आ जाता है, तो जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर आवरण चढ़ा दिया जाता है और वो आवरण किसका होता है, जिंक का। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। लोहे को क्या करने के लिए, जंग रोधक बनाने के लिए, जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उस पर गैल्वेनीकरण कर देते हैं। अगला साइनाइड विधि आपका पड़ा हुआ है। साइनाइड विधि किसके लिए काम आता है, सोने और चांदी के लिए। याद कीजिए आप, सोने और चांदी में आपने संकुल प्राप्त किया था, उस संकुल को किससे अपचयित कराया था, जिंक धातु से अपचयित कराया था, तो जिंक का उपयोग हो गया। सोने और चांदी के निष्कर्षण में अर्थात साइनाइड विधि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला आपके पास आयरन, आयरन का क्या उपयोग रह सकता है, तो आयरन के दो उपयोग हो सकते हैं, एक ढलवा लोहे के लिए और एक पिटवे लोहे के लिए। तो जो डलवे लोहे का उपयोग हो किसमें, स्लीपर। आपने रेलगाड़ियों की बोगीज देखी है, बड़े बड़े डब्बे देखे हैं, वो जो बोगीज या डब्बे होते हैं वो किसके बने होते हैं, डलवे लोहे के बने होते हैं। गटर के जो गटर लाइन के पाइप होते हैं जो अंदर की तरफ सीवर लाइन जाती है, जिसके जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं ठीक है वो किसके बने होते हैं आपके पास, डलवे लोहे के। एक आपने देखी होगी गार्डर, मकान में, मकान में लगने वाली जो गार्डर है ठीक है, जो एकदम कैसी होती है, चटक भी सकती है वो, और वो किसकी बनी होगी आपके पास, डलवे लोहे की बनी होगी। सिंपली जो खिलौने आते हैं और स्टोव होता है हमारा ठीक है, रसोई घरों में पुराने जमाने में केरोसिन से चलने वाला जो स्टोव है वो किसका बना होता है आपका, डलवे लोहे का बना होता है। नेक्स्ट पिटवे लोहा, पिटवा लोहा शुद्धतम लोहे का रूप है, इसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है क्योंकि ये रेसेदार टाइप में होता है। हमारे दरवाजे, खिड़कियां, कीले, चेन, जो भी आइटम होता है, कृषि के उपकरण जो होते हैं, भवन निर्माण में आप देखते हो आजकल आरसीसी का काम चल रहा है, वो सारा का सारा किसका चल रहा है, पिटवे लोहे का चल रहा है। तो ये कुछ क्या हो गया आपके पास, डलवे लोहे, पिटवे लोहे, जिंक के, कॉपर के और एल्युमिनियम के उपयोग हो गए। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम किसकी, एक बात तो हमने कर ली थी, किसकी बात कर ली, धातुकर्मिकी का ऊष्मागतिकी सिद्धांत, उस ऊष्मागतिकी सिद्धांत की कमियां। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कुछ जो आपके पास तत्व है और कुछ तत्वों के उपयोग हमने देख लिए, जिन जिन के हमने विशेष धातुक्रम पढ़े थे। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिंगम का आरेख, तो एलिंगम आरेख किसे कहते हैं, एलिंगम आरेख ये क्या होगा मित्रों, एलिंगम आरेख। मैं तुमसे पूछता हूं ऊष्मागतिकी किस पर आधारित है, सॉरी धातुक्रम किस पर आधारित है, या धातुक्रम का स्वतः होना किस पर आधारित है, आपको ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर। तो ऊष्मागतिकी सिद्धांत में कौन सी दो समीकरणें प्रयुक्त हुई थी, पहली समीकरण आपकी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और दूसरी है डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के। ये दो समीकरण है, कॉमन बात क्या आ रही है इसमें, एक तरफ है डेल्टा जी और एक तरफ क्या आपका टी, बस इन दोनों के बीच में खींचा गया आरेख, डेल्टा जी और टी के मध्य खींचा गया आरेख क्या कहलाता है आपका, एलिंगम का आरेख कहलाता है। तो अगर आपको कोई पूछे एलिंगम आरेख क्यों प्रयुक्त किया जाता है, अपचयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, धातुओं के चयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कि कौन सी धातु किससे अपचयित हो जाएगी। दूसरी बात, यह किस पर आधारित है, देखो अयस्क का पिघलना, अयस्क पिघलेगा जब वो जलेगा, और कोई चीज किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन, तो इस पर जनरली जो लिए जाएंगे वो सारे ऑक्साइड्स लिए जाएंगे ठीक है। तो क्या डेल्टा जी और टी के बीच में खींचा गया आरेख एलिंगम आरेख कहलाता है। अब पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बता देता हूं, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको ध्यान रखना है, जो धातुएं ऊपर आती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर आती है वो एलिंगम के ग्राफ में कहां आएगी, नीचे की तरफ आएगी। जैसे कौन कौन सी धातुएं, लेकर, लेकर सर, लेकर, लेकर सर, बारात का ना, मजनू आला, मन जनता
करे फरियाद, कार्ड को निकालो। बस एक बार इतनी याद कर लो, क्योंकि धातु कर्मी के में इतना ही काम आएगा। लिथियम पोटेशियम, तो ले कर सर बारात का ना मजनू आला मन जनता करे फरियाद, कार्ड को निकालो सन की प्रभु हीरो। ठीक है, बस यहां तक एक बार याद कर लो। अब जैसे मैं आपसे पूछूं जनरली कौन कौन सी काम आएगी, जैसे हमारे कोर्स में आता है, एक तो मैग्नीशियम आता है, एक एल्युमिनियम आता है, जिंक आता है, क्रोमियम आता है, आयरन, तो इनके बारे में पूछा जाए, तो जैसे मैं इन पांच के बारे में पूछूं आपसे, तो जो श्रेणी में ऊपर आता है वो नीचे आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। तो मैग्नीज के बारे में पूछा जाए तो मैग्नीज को आप यहां रख लो, एल्युमिनियम का पूछा जाए तो उसको आप यहां रख लो, जिंक को पूछा जाए तो उससे ऊपर रख लो, क्रोमियम को उससे ऊपर रख लो। आपको क्या ध्यान रखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर की तरफ आती है वो एलिंगम के ग्राफ में नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि वो सक्रियता को प्रदर्शित करती है, और इसी आधार पर हम एलिंगम ग्राफ को पढ़ेंगे।